हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर फॉर सिविल इंजीनियर्स डिप्लोमा एंड कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। एक वीडियो आ चुका है पहले, ये सेकंड वीडियो है। अगर जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख के आए, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ओके, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे और यहाँ से आगे अब हमें कंप्लीट करना है। तो व्हाट इज़ द पीक फैक्टर पॉपुलेशन अबव 2 लाख? 2 लाख से ज़्यादा के पॉपुलेशन के लिए जो पीक फैक्टर लेते हैं वो कितना लेते हैं? 2.0 लेते हैं, ठीक है। लेकिन पीक फैक्टर की वैल्यू ये आपको दी गई है, अगर 50,000 से 50,000 तक कम या 50,000 तक जो पॉपुलेशन है हमारी उसके लिए जो पीक फैक्टर होता है वो 3 लेते हैं, और 50,000 से 1 लाख तक के लिए लेते हैं हम 2.5, और 2 लाख से अधिक के लिए लेते हैं 2.0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिस, व्हाट इज़ द रेनफॉल इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन बाय ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इफ द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज 540 सेकेंड? क्या कह रहा है ये? ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्षा की तीव्रता नापने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, के इक्वल टू 760 डिवाइड बाई टी प्लस 10, ठीक है। आपको टी की वैल्यू दी गई है 540 सेकेंड, और 540 सेकेंड को डिवाइड करेंगे 60 से तो 639 आ गया ये, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 9 और टी निकालेंगे, 540 डिवाइड बाई 69 मिनट हो गया। ओके, तो यहाँ 9 लिखेंगे, 19/760, तो 40 mm/h की इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी हमें मिल रही है। तो आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। फार्मूला याद रख लीजिए रेनफॉल इंटेंसिटी का, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये क्वेश्चन इरीगेशन का है लेकिन इसमें डाल दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, विच रेंज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग द रेट ऑफ डिमांड इन 180 to 210 लीटर पर कैपिटा पर डे? जो पर कैपिटा पर डे की रेंज है, मतलब जितना पानी 180 लीटर से 210 लीटर की पानी की हमें आवश्यकता पड़ रही है वो किस रेंज के पॉपुलेशंस के लिए पड़ रही है? देखिए, आपको दिया है 20,000 से 50,000 तक के लोगों के लिए, नहीं, 50,000 से 1 लाख तक के लोगों के लिए सही है। और 20,000, देखिए इसमें दिया है 20,000 तक के लोगों के लिए 110 लीटर पानी LPCD के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। जितनी अगर 20,000 जनसंख्या है तो उसको 110 लीटर पर, मतलब LPCD के अकॉर्डिंग देंगे, और 20,000 से 50,000 तक है तो 110 से 150 लीटर, 50,000 से 2 लाख है तो 150 से 240 लीटर, और 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 240 से 275, 5 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन है तो 275 से 335, और 10 लाख से अधिक है तो 335 से 360 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। तो ये आप टेबल याद रख लीजिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। देखिए, आप लास्ट की वेरिएशन पता कर लीजिए तो आपको इधर के निकलिए, आपको याद करना है 150, ठीक है, 240, 275, 335, 360, यानी 1, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 7, 3, 6, आप जैसे चाहें वैसे याद करते हैं, लेकिन मेरा आइडिया यही है कि लास्ट का एक याद कर लो, आगे का तो याद हो ही जाएगा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेंस इन डिज़ाइन? डिस्ट्रीब्यूशन मेंस की डिज़ाइन के लिए इनमें से कौन उपयुक्त में से कौन सा सही है, ठीक है। तो एवरेज डेली डिमांड के लिए करते हैं, एनुअल पीक डिमांड के लिए करते हैं, मंथली पीक डिमांड के लिए करते हैं, मैक्सिमम अवेलेबल डिमांड, मैक्सिमम दिस, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन मेंस डिज़ाइन करते हैं वो कि मैक्सिमम अवेलेबल डिमांड और मैक्सिमम डे के लिए करते हैं, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 2.7 इक्वल टू एवरेज डेली डिमांड, और मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है 1.8 होता है एवरेज डेली डिमांड का, और मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है 1.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फॉरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी? पुरानी सिटीज़ के लिए और वेरी लार्ज सिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। आपको बस इतना याद रखना है, पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटीज़ के लिए जो फोरकास्ट मेथड यूज़ करते हैं वो होता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें आपसे देखिए
किसके अकॉर्डिंग पूछा है आपसे? तदनुसार के अकॉर्डिंग। तदनुसार का मतलब, देखिए हिंदी तो इतनी पता नहीं, लेकिन इसको चलिए आगे चलेंगे तो नीचे क्वेश्चन आ जाएगा, तब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन फर्स्ट थ्री कंटिन्यूस ईयर इज गिवेन एज। देखिए एक सिटी की पॉपुलेशन पहले 3 साल में 6,000 थी, फिर 8,000 थी, फिर 10,000 होगी, ठीक है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज द फोर्थ कंटिन्यूस ईयर, चौथी में कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको बताना है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में आर वन, देखो आर वन निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा होता, क्या होता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड? पी एन इक्वल टू पी नॉट वन प्लस आर वाई हंड्रेड की रूट पावर एन। देखिए मैं लिख देता हूँ साइड में, अरे चल जा भाई। हाँ पी एन इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट बंद वन माइनस आर वाई हंड्रेड, देखिए इधर लिख देता हूँ मैं, वन माइनस आर वाई हंड्रेड डिवाइड बाई एन, इधर जगह नहीं है। तो पी नॉट, तो हमको आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड। पी वन पी टू पी थ्री आपको दिया है 6,000 8,000 10,000, ठीक है, ये आपको दिया है। ओके तो आर वन निकालेंगे, प्रीवियस ईयर जैसे 8,000 से 6,000 डिवाइड बाई 6,000, तो कितना आएगा 33.33%। परसेंट में निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, आर वन निकाला आर टू निकाला, इसी तरीके से हम जितने भी होंगे आर एन तक निकालेंगे, दिस और वन बाई एन करेंगे, कितने टिकट से 2 टिकट्स निकालने हैं, तो 28.86% आपका आर की वैल्यू आ गई। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन रेट ऑफ द फायर डिमांड। एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है, फायर जो होता है वो होता है गॉडरिच फार्मूला। गॉडरिच फार्मूला से हम लोग तीनों निकालते हैं, और जो गॉडरिच फार्मूला क्या था आपको बताया था मैंने जी, क्या था गॉडरिच फार्मूला? पी इक्वल टू 180 टी, पी इक्वल टू टी माइनस 0.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर वाटर सप्लाई टू ए मीडियम डाउन व्हाट इज द डेली वेरिएशन फैक्टर, कितना होता है डेली वेरिएशन फैक्टर? 1.5, ठीक है। नेक्स्ट 31, द लास्ट 3 डिकेट्स द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज रिकॉर्डेड, मतलब 3 डिकेट, डिकेट्स का मतलब होता है 10 ईयर, ठीक है। पहले थे 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000। विल बी द पॉपुलेशन फॉर विच अ वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइंड इफ इट शुड बी एडुकेट फॉर नेक्स्ट 2 डिकेट, ठीक है, अगले 2 डिकेट्स में क्या होगा? तो अब कैसे निकालेंगे इसको, आपको पता है औसत निकालेंगे पहले 10,000, 10,000 का है, 2 में निकाल के डिवाइड बाई 2, इक्वल टू कितना निकला 10,000, ठीक है। दशकों की संख्या कितनी है? 2 है, मतलब 2 हमें निकालना है, एन इक्वल टू 2 ईयर दिया है आपको, और वर्तमान संख्या है 40,000, एन दशक बाद जनसंख्या जो होगी तो पी प्लस एन सी होगी, पी है 40,000 प्लस 2 × 10,000, तो यहाँ से निकाल के कितना होगा 60,000। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू द फायर ड्राफ्ट फॉर वर्किंग आउट टोटल ड्राफ्ट इज नोन एज, क्या होता है टोटल, नहीं द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड द फायर डिमांड। देखिए फायर डिमांड क्या होता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होती है ना, और इसमें क्या करते हैं हम लोग कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में कैसे लेते हैं बताइए, क्यूएनसी ड्राफ्ट जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम लेंगे मैक्सिमम ऑफ दोनों में से जो ज्यादा होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, या तो ये लेंगे या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड लेंगे, जो दोनों में से ज़्यादा होता है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो दोनों से ज़्यादा होगा, चाहे मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या मैक्सिमम आवरली डिमांड। चलिए वाटर वन डिजीज कॉलरा इज ट्रांसमिटेड बाई, कितना होता है मतलब जो सब कितना कह रहे हैं, जो वाटर वन डिजीज होती है कॉलरा से, कॉलरा वो किससे होती है, बाइब्रोक्रिया, बाइब्रियो कॉलरा, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे दिया है आपको, चलिए कोई बात नहीं।
32 क्या है, ए वाटर सप्लाई स्कीम इज टू बी डिजाइन फॉर ए एरिया विद ओवर 90% पॉपुलेशन एज लोअर इनकम ग्रुप, व्हाट शुड बी टू वाटर डिमांड कंसीडर्ड इन डिजाइनिंग सच सिस्टम। मतलब एलपीसीटी लेते हैं वो कितना लेते हैं, 135 लेते हैं नॉर्मली, तो द प्रिस्क्राइब पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर स्मॉल सिटीज एंड टाउन, स्मॉल सिटीज के लिए 135 वी इज द राइट आंसर। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन 1.8 लीटर फॉर 5 टू 10 यूजर्स, 1.20 लीटर फॉर 15 यूजर, 1.35 लीटर फॉर 20 यूजर। आपसे पूछा क्या गया, डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर डे, और सो पीक डिस्चार्ज पूछा है क्या, पीक डिस्चार्ज पॉइंट याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। मतलब तीनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसा होता है, आपको पता है एस शेप कर्व होता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग विद लीस्ट अफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इन सिटी, लीस्ट अफेक्ट सबसे कम अफेक्ट कैसे पड़ता है, सबसे कम प्रभावित कौन सा है, साइज ऑफ सिटी, साइज बढ़ेगा तो सिटी में वैसे भी ये भी अफेक्ट करता है, ठीक है, टाइप ऑफ पॉपुलेशन ये भी अफेक्ट करता है, क्लाइमेट कंडीशन भी अफेक्ट करता है, लेकिन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड को हम बहुत ही निग्लिजिबल मानते हैं, लीस्ट अफेक्ट करता है, बहुत ही लीस्ट अफेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पानी की अधिकतम मौसमी खपत कितनी है, मौसमी खपत का मतलब वार्षिक औसत दैनिक दर का मांग का 130% होगा, वार्षिक एनुअल एवरेज डेली डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड का 130% होता है क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार पानी की अधिकतम मौसमी खपत, ये क्वेश्चन नया है, मौसमी खपत होता है कितना 130%। क्वेश्चन नंबर 38 क्या गया, एलपीसीडी 10 लाख की आबादी के लिए प्रति व्यक्ति मांग क्या है, 10 लाख की आबादी के लिए 335 टू 360 होती है, ठीक है, ये आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, है ना। पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध मीठे पानी की मात्रा मीटर क्यूब में है, भैया याद कर लीजिए इसको, 35 इंटू 10 दी पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज अराइव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग कोड, दिस इज द 1172-1963, क्या 1172-1963, ठीक है। जीव मंडल में जितना पानी उपलब्ध है उसमें से ताजे पानी की प्रतिशतता कितनी है, वो है ओनली ऑन 2.7%। आप लोग इसका कहा जाता है ना कि भारत में 3% पानी है जो पीने योग्य है, बाकी सब खारा पानी है। महासागरों में होने वाली और नमकीन जल में मिश्रित होने वाली वर्षा का सालाना औसत आयतन कितना होता है, वो होता है 4,68,000 किलोमीटर क्यूब। याद कर लीजिए भैया, याद करने का क्वेश्चन, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए, भारतीय मानक निर्देशों के अनुसार घरेलू उद्देश्यों के लिए व्यस्त समय में निर्वहन प्रति व्यक्ति प्रति मिनट किया जाता है, वो 5 से 10 उपयोगिता के लिए 1.80 लीटर होता है। कितना, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार घरेलू उद्देश्यों के लिए व्यस्त समय में निर्वहन प्रति व्यक्ति प्रति मिनट लिया जाता है 1.80 लीटर, ठीक है। फिल द गैप, सी वाटर कंटेंट्स डॉट 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 ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इज फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, आपको पता है 80% होता है, यानी कि समुद्र के पानी में ताज़ा पानी की धारा का 80% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। Which of the following is not a method of forecasting population used for estimating water requirement of a town? मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, आपको पता है zoning method, arithmetical increase method, geometrical phasmodel method नहीं है, zoning method भी है, ठीक है। दुनिया की तुलना में भारत में उपलब्ध ताजे पानी की प्रतिशत आपको पता है कितना है, 4% है, सिर्फ और सिर्फ 4%, देख लीजिए, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जनसंख्या के का पूर्व, मतलब जनसंख्या का पूर्व अनुमान निम्न विधियों से लगाया जाता है, कौन कौन से, गणितीय यानी अर्थमेटिकल, ज्योमेट्रिकल, वृद्धि योजना इंक्रीमेंटल, रेखा चित्र, ग्राफिकल, तुलनात्मक और जोन व्यवस्था विधि, ठीक है, ये होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द पर कैपिटा पर डे, भैया क्लाइमेट कंडीशन भी अफेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द रीजन ये भी करता है, पॉपुलेशन भी अफेक्ट करता है, मैंने आपको बताया था अफेक्ट कौन कौन से
करते हैं, क्लाइमेट कंडीशन, मौसम अगर गर्म होगा तो ज़्यादा पानी की खपत होगी, ठंडा होगा यानी कि सर्दियाँ होंगी तो कम पानी यूज़ करेंगे लोग। और इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल में क्या है कि अगर इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ ज़्यादा पानी की खपत होगी, छोटा इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर छोटा पानी खत्म होगी। और पॉपुलेशन में क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा पानी का यूज़, कम पॉपुलेशन कम पानी का यूज़, तो ए बी सी तीनों ही अफेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों के कारण अफेक्ट होता है। आप देखिए किस किस के कारण होता है, क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा पर होता है, क्षेत्र की औद्योगिक वाणिज्यिक विकल्पों, जनसंख्या पर, जल की गुणवत्ता पर, जल सप्लाई पद्धति पर, सीवर प्रणाली पर, जल कर या मीटर पद्धति पर, औद्योगिक तथा सार्वजनिक मांग पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ए टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइन फॉर ए पॉपुलेशन। ठीक है, एक शहर की जलापूर्ति योजना साधारणतः तथा निम्नलिखित पर आधारित जनसंख्या के लिए अभिकल्पित की जाती है, आफ्टर 3 डिकेट्स तक के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं। किसके लिए, आफ्टर 3 डिकेट्स। ठीक है, पर कैपिटा वाटर कंजप्शन हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन होता है, मैक्सिमम वाटर जहाँ चाहिए होता है वो हॉस्पिटल में चाहिए होता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में 340 to 450 तक यूज़ होता है। द पीक डिमांड ऑफ वाटर इज इंडियन कंडीशन इज, बताइए कितना होता है, पीक डिमांड 2.7 होता है। अब 2.7 होगा किसके बीच में आ रहा है, देख लीजिए, 2.5 से 3.0 टाइम द एवरेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सैनिटेशन, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन एज पर IS कोड, वाट इज द डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन इंडियन सिटीज एंड टाउन्स, कितना होता है, 135। इसमें बी ऑप्शन में दिया, 200 LPCD लिख सकते हैं। एक मिनट, फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट वाटर, देखिए हाँ, वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सैनिटेशन भी दिया गया है, और एज़ पर IS कोड देखिए 135 होता है, मतलब एक व्यक्ति के लिए LPCD, मतलब उसको ज़रूरत होती है 135 लीटर पानी की। लेकिन इसमें आपको सैनिटेशन ड्रेनेज वगैरह सबको काउंट किया गया है, तो दिस इज द जो हो जाएगी 200 LPCD, कितना हो जाएगी, 200 LPCD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर। मीनिंग फार्मूला यूज करते हैं, मतलब तूफानी पानी की मात्रा का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र यूज करते हैं, वो हम करते हैं मीनिंग फार्मूला का यूज करके पता करते हैं। ठीक है, विच वन इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ नॉइज, नॉइज को किस तीव्रता स्तर पर यूज करते हैं, वो डेसीमल में यूज करते हैं, मतलब मापते जो है नॉइज को वो डेसीबल में मापते हैं। एयर कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ, एयर कंडीशनिंग होती है वो किसको कंट्रोल में शामिल है, सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब आसपास के टेम्परेचर को भी कम ज़्यादा करती है, ठीक है, नमी को भी, एंड एयर सर्कुलेशन, वायु संचरण भी बढ़ाती है, तो ऑल ऑफ द एबव, मतलब आपको AC, आपका AC क्या करता है घर में आप पता है, थोड़ी सी अगर आपको पता हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड, इतना 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 फॉर द ईयर 1981 में इतनी थी, 1991 में इतना हुआ, 2001 में इतनी है पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एज पर ज्योमेट्रिक मीन मेथड के द्वारा बताइए कि 2011 में कितनी जनसंख्या होगी। ज्योमेट्रिक मीन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे, और आर की वैल्यू निकालने के बाद उसको पुट करेंगे, तो यहाँ से निकल आएगा, देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू निकाली गई है, कैसे निकाली गई है, 2 दशक को निकाला, 10,000 डिवाइड किया फर्स्ट पॉपुलेशन से इंटू 100, 5% निकला, ऐसे इसमें किया तो 9.5%, तो दोनों के निकालेंगे तो 6.9 इधर से निकल के आ रहा है, तो 6.9 को आप यहाँ पे पुट अप करके इसका वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने का टाइम नहीं है भैया, सॉल्यूशन करेंगे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब सॉल्यूशन दिया हुआ है सामने तो आप खुद वहाँ से समझ सकते हैं, समझा तो मैं दे ही रहा हूँ आपको कि कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो वेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी, कब आई थी, 1987 में। ठीक है, मतलब प्रथम जल अधिनियम को भारत सरकार ने कब अपनाया था, 1987 में अपनाया था। द रेशियो बिटवीन पीक आवरली वाटर डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड, मतलब पीक आवरली वाटर डिमांड का और मैक्सिमम डेली डिमांड का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वो 1.5 होता है। परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाई वाटर, जो पृथ्वी का सतह है उसको कितने परसेंटेज में पानी ने घेर रखा है, वो घेर रखा है 71%। ठीक है, द फायर डिमांड ऑफ ए सिटी मे बी वर्कड आउट बाई,
कुछ रिंग से यूज करते हैं, फाइव डिमांड निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्री मैन से भी निकालते हैं, अंडर राइटर्स फार्मूला से निकालते हैं, डी इज द राइट आंसर, तीनों से निकालते हैं हम लोग। द एवरेज वाटर कंजप्शन फॉर गवर्नमेंट ऑफिस रेंजेस, गवर्नमेंट ऑफिस में कितना मैक्सिमम 45 होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 25 से 50 या 45 से 90 लीटर पर कैपिटा, ठीक है, 45 से 90 लीटर पर कैपिटा हम कंजप्शन करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस की में रेंज है ये। टोटल वाटर कंजप्शन इंक्लूड डोमेस्टिक कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, यानी कि पूछा है आपसे टोटल वाटर रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फॉर एवरेज इंडियन पीपल, दिस इज द होगा आपका 270 LPCD, कितना होता है 270 LPCD, यानी कि डी इज द राइट आंसर। द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आर नॉर्मली डिजाइन फॉर अ पीरियड, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिजाइन करते हैं वो कितने साल के लिए करते हैं, 30 ईयर के लिए करते हैं। द वॉल्व ऑफ पी फैक्टर कंसिडरेशन इज द एस्टिमेशन ऑफ वाटर फॉर द पॉपुलेशन, आपको दिए 1 लाख, तब कैसे निकालेंगे, जो पीक फैक्टर होता है 5,000 के लिए, सॉरी 50,000 के लिए 3 होता है, 50,000 से 2 लाख तक के लिए 2.5 और 2,000 से अधिक 2 लाख के अधिक के लिए 2.0, तो आपसे पूछा किसके लिए 1 लाख तक, और 1 लाख कहाँ पे है यहाँ पे, तो आंसर इज द 2.5, ठीक है। पर कैपिटा वाटर डिमांड इज, ये होता क्या है, पर कैपिटा वाटर डिमांड इज एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाई पर पर्सन, नहीं मंथली एवरेज नहीं, मंथली होगा नहीं, एवरेज भी होगा नहीं, एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाई वन पर्सन, बाई वन पर्सन, इसमें एवरेज अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज है, एवरेज अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 70 का, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, जल प्रदूषण कारण नहीं है, हाई डेसिबल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब वाहनों की तेज गति कोई भी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, वाटर पॉल्यूशन से ये किससे रिलेटेड है, ये आपका एयर नॉइज से रिलेटेड है, मतलब एयर पॉल्यूशन से है, ठीक है, या साउंड पॉल्यूशन कह सकते हैं। द प्रिस्क्राइब्ड वाटर कंजप्शन फॉर, मतलब द प्रिस्क्राइब्ड वाटर कंजप्शन फॉर रेस्टोरेंट्स इज 70 लीटर पर सीट पर डे, ठीक है, रेस्टोरेंट में पानी यूज़ करते हैं 70 लीटर पर सेकंड पर डे, तो यहाँ तक खत्म, मतलब ये कंप्लीट हो गया, अब सोर्सेज ऑफ वाटर एंड ट्यूबवेल्स को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।